इंडिया का सिनेमा हब मुंबई शहर में क्यों है? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, इनमें क्या बुराई है? इसका क्रेडिट कॉटन फार्मर्स को दे तो सुनो, इन टुडेज़ पॉप कल्चर पेट्रोल विद मी सुचारिता। 1896 में लुमियर ब्रदर्स की एक फिल्म बॉम्बे में गोरे लोगों को दिखाई गई, इंडिया की पहली फिल्म स्क्रीनिंग। पर उससे भी पहले इस शहर में आर्ट्स एंड कल्चर को तवज्जो देने वाली पारसी कम्युनिटीज खूब एक्टिव थी। बॉम्बे थिएटर में पारसी आर्टिस्ट शो करते, सपोर्टेड बाय गवर्नर एल्फिंस्टन, जिसको फिर जमशेद जी जीजी भॉय ने टेक ओवर किया। पारसी प्रोप्राइटर्स की फंडिंग से कई ड्रामा क्लब्स एक्टिव रहे। वाडिया मूवी टोन, सोहराब मोदी जैसे पारसीज बदलती टेक्नोलॉजी के साथ ऑटोमेटिकली मोशन पिक्चर्स में आए और बॉम्बे में स्टूडियोज खिलने लगे। बट लिसन, एक और एंगल है। दिल्ली की अंग्रेजी हुकूमत से दूर मुंबई में रेगुलेशंस थी जरा कम, तो अब इंडस्ट्रियल और बिजनेस कैपिटल जो लोग जोड़ रहे थे उसको इन्वेस्ट करने के तरीके ढूंढने लगे, जिसमें सबसे आगे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेनिफिशरीज, टेक्सटाइल मिल वाले, कॉटन व्यापारी। कॉटन मिल ओनर द्वारका दास संपत ने फिल्म स्टूडियो खड़ा कर दिया, फिल्म कंपनी। बॉम्बे टॉकीज तक की नींव एक दिनशाह साहब की प्रॉपर्टी पे रखी गई थी, जिन्होंने अपने पैसे कमाए कहां? कॉटन। ग्रेट डिप्रेशन की ग्लोबल वेव के चलते जो लोग बॉम्बे में बेरोजगार हुए उन्हें डेली वेज पे स्टूडियोज में काम मिलने लगा, और ऐसे सॉलिडिफाई हुआ यहाँ इंडियाज लिटिल हॉलीवुड, जिसका टर्नओवर 15,000 करोड़ का। अगर माइंड हुआ ब्लो तो दोस्तों में शेयर करो एंड फॉलो सिविक स्टूडियोज फॉर मोर पॉप कल्चर पेट्रोल।